हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं काइटेक्स के बारे में। KITEX इसका सिंबल है। बीते ट्रेडिंग सेशन में 116 से ये शेयर शुरू हुआ और 140 पे अपर सर्किट लगा। इसमें जो मूवमेंट हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है। 140 रुपए का शेयर फिर से 800 होने की तैयारी कर रहा है। गारमेंट्स से रिलेटेड शेयर है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है उस हिसाब से ये शेयर फिर से 800 के लेवल टच करने के पोटेंशियल रखता है कि नहीं रखता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस पे ये जो अपर सर्किट लगा फ्राइडे के दिन वो क्यों लगा। तो न्यूज ऐसी है कि शेयर ऑफ केरला बेस्ड काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड सर्जेस नियरली 20%। तो ये जो 20% गया इसके पीछे का रीजन है कि कंपनीज डेलीगेशन डिस्कसिंग इन्वेस्टमेंट प्लान विद द तेलंगाना गवर्नमेंट। द मीटिंग केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ काइटेक्स डिसाइडिंग टू बैक आउट फ्रॉम द प्लान ऑफ इन्वेस्ट 3500 करोड़ इन केरला विद द कंपनी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साबू एम जैकॉब। ही वॉज बींग हाउंडेड आउट। तो कंपनी प्लान कर रही इन्वेस्टमेंट का, और अगर देखा जाए तो द क्लोजिंग लेवल ऑन फ्राइडे इज ऑल्सो 52 वीक हाई। काइटेक्स शेयर ओपन एट 118 एंड आफ्टर एंडिंग एट 117 ऑन थर्सडे। उसके बाद जो फ्राइडे को हुआ ये शेयर सीधा 140 पे जाके अपर सर्किट हो गया। ऑन फ्राइडे अ डेलीगेशन लीड बाय जैकॉब मीट तेलंगाना आईटी एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर KT Ramarao in Hyderabad and discussed about setting up textile manufacturing unit in the state. Textile manufacturing unit in the state Telangana में ये करने वाले हैं, जहाँ पे firstly वो 1000 करोड़ कुछ invest करने वाले हैं, total 3500 करोड़ है। Alleging harassment by the Kerala government official, Jacob last week said his group was withdrawing its project from the state. Kerala government से निकाल के वो अभी तेलंगाना government में shift होगा। The government is still open, issue can be discussed with the investor and take thing forward, Kerala Industrial Minister P. Rajiv said. तो इनके जो भी problem चल रहे हैं अभी ये 1000 करोड़ invest करने वाले हैं तेलंगाना में। यहाँ देख सकते हो after dumping Kerala, Kitex Group commits rupees 1000 करोड़ investment in तेलंगाना। तो ये शेयर को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो शेयर 800 वाला शेयर अभी 140 पे मिल रहा है, और ये जो पैटर्न बन रहा है ये भी बहुत बढ़िया बन रहा है। पैटर्न देखो कैसे फॉर्म हो रहा है, ये अपने डारवास बॉक्स से निकल के ये बॉक्स का ब्रेकआउट दे दिया है और इसके ऊपर निकल गया है। ये ब्रेकआउट बहुत ऊपर तक जा सकता है। मैं कहूँगा पहले तो ये इसको 241 को टच करेगा, 241 के बाद सीधा 331 इसमें इमीडिएट टारगेट हम रख सकते हैं काइटेक्स में। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी देखा जाए तो 935 करोड़ की बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी, स्टॉक का पी 17 का है। और द कंपनी एक्सपोर्ट्स कॉटन एंड ऑर्गेनिक कॉटन गारमेंट स्पेशली इन्फंट्स वियर टू यूएस एंड यूरोपियन मार्केट। तो यूएस एंड यूरोपियन मार्केट में इनका मतलब बिजनेस है। मार्केट पोजीशन क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट इन्फंट्स अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। द कंपनी हैज मेनली टू सेगमेंट, गारमेंट से 82% एंड फैब्रिक से 18%। और यूएसए इज द मेजर मार्केट फॉर अ कंपनी प्रोडक्ट्स एंड इन FY20 74% ऑफ रेवेन्यू केम फ्रॉम जियोग्राफी इंडिया 20 अदर 6% से इनका रेवेन्यू आया। काइटेक्स यूएसए LLC is an associate company of Kitex Garments Limited. तो USA की ये कंपनी जो है ये Kitex Garments की एक associate कंपनी है। Future plan, company has proposed a capex plan of 910 crore as a strategic plan for year 2025. Out of this, it has spent 180 crore till November 20. The status of this plan as FY20 is still in the initial stage में है। कंपनी का आने वाला फ्यूचर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाला है, इसमें इन्वेस्टर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक कंपनी ने आपको कितना रिटर्न दिया देखो, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। मैं कहूंगा 3 मंथ्स में 40% है। वैसे देखा जाए तो 40% आपको बैंक भी नहीं देती, शेयर ने दे दिया है
ऑलरेडी 40%, पर बाकी शेयर्स ने जितना रिटर्न दिया 3 मंथ्स में या 1 ईयर में, तो सिर्फ 26% कहूंगा। 1 ईयर में शेयर्स जहां 400-600% रिटर्न दे चुके, ये 26% पे अभी तक अटका पड़ा है। तो आने वाला टाइम ये शेयर का हो सकता है जहां पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको दिखेगा। गोकलदास एक्सपोर्ट सबसे ऊपर है, मोंटे कार्लो फैशन एंड काइटेक्स, ये साथ में चल रहे, पर ये येलो लाइन को ये पिंक लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगी, इतना तो पक्का है। प्रमोटर के पास जो स्टेक है 55% इसका, उसमें से 40 कोई भी प्लेज नहीं, FIIs होल्ड नहीं करते, अदर्स के पास 44% है। अगर हम देखा जाए तो कंपनी ने कर्जा कम किया है और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो कंपनी पे कर्जा भी कोई नहीं है। मार्केट कैप छोटी इसलिए 5 नंबर पे है, KPR मिल्स, पेज इंडस्ट्रीज, कितना बड़ा बड़ा मार्केट कैप है इनका, तो ये कंपनियां ऊपर आ जाती है। गोकलदास एक्सपोर्ट इसके नीचे आती है। तो सेल्स एक ही रेंज में घूम रहे हैं, प्रॉफिट भी एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर हम इनके रिजर्व्स देखें, 689 करोड़ के रिजर्व्स है और कर्जा इन्होंने मार्च 2021 में 0 करोड़ का कर दिया। तो इनका 96 करोड़ का कर्जा इन्होंने सीधा जीरो कर दिया। ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि जब कंपनी को आगे अपनी ग्रोथ दिख रही होती है तब कंपनी ऐसा करती है कि अपना कर्जा जीरो कर देती है और फिर आगे प्रॉफिट एंजॉय करती है। कंपनी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अभी मैं देखता हूँ कि 96 करोड़ का कर्जा है और 0 करोड़ का इन पे बोरोइंग है, तो मैं ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा इसमें। ये फर्क पड़ता है कि अपना इन्वेस्ट किया पैसा तो कंपनी के पास ही जाएगा। तो ये होता है कंपनी का कर्जा जीरो करना, ये पॉजिटिव हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs ने होल्ड करते, पब्लिक के पास 44 है और प्रमोटर के पास 55% इसमें शेयर्स है। और इसका टिकर टेप भी देखिए, तो टिकर टेप पे अभी भी इंट्रेंसिक वैल्यू लो है, रिटर्न वर्सेस FD पे मिल रहा है, डिविडेंट नहीं देती कंपनी, रिटर्न कम है, पर एंट्री पॉइंट अभी भी ठीक है और रेड फ्लैग कंपनी पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो ये कंपनी मुझे बहुत पसंद आ रही फिलहाल, तो मैं इसमें मंडे के दिन इन्वेस्ट करने का, मुझे चांस मिला डिक्लाइन पे तो मैं शेयर मंडे को बाय कर सकता हूँ। अभी अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो मैंने जैसे बोला कि ये ब्रेकआउट लेवल है, ये देखो ये बॉक्स कहाँ से बन रहा है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ इसमें, मिड 2018 से जो कंसोलिडेशन था वो खत्म हुआ ये महीने में 2021 में, और ये अभी ब्रेकआउट पे है। तो ये ब्रेकआउट देते ही पहला तो टारगेट हम, मैं जैसे बोला 170 जो प्री कोविड हाई थे, और उसके बाद शेयर ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो ये अपना रहा ओवरऑल एनालिसिस काइटेक्स पे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।